क्लास 12 मैथ चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.8 क्वेश्चन फर्स्ट वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 x बिलोंग्स टू माइनस 4 एंड 2। देखो क्या फंक्शन दिया हुआ है, हमें फंक्शन दिया हुआ है fx की वैल्यू दे दी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 और x दिया आपको माइनस 4 टू 2। फर्स्ट आप देखो फंक्शन f इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन। कैसा फंक्शन है आप फंक्शन लिखो इसे f इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन सो इट इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल माइनस 4 टू 2। जो भी पॉलिनोमियल फंक्शन होता है बेटा इस तरह के इंटरवल में वो हमेशा कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। सेकंड आप देखो कुछ कंडीशंस हैं जो हम देख रहे हैं। पहले इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है एक्स का, इसका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x और प्लस 2x का हो जाता है 2। तो इसका मतलब क्या है कि एफ जो है वो डिफरेंशिएबल भी है, तो हम लिख देंगे हैंस द फंक्शन एफ इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल माइनस 4 टू 2। फिर थर्ड आप देखोगे वैल्यू पुट कर लो, एक ये माइनस 4 पुट कर लो और एक बार 2 पुट कर लो, वैल्यू निकाल के देखो थर्ड में एफ ऑफ माइनस 4 तो क्या हो जाएगा माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 2 ऑफ माइनस 4 माइनस 8 तो 16 माइनस 8 ये आ गया आपका 0। इसी तरह से माइनस 4 के बाद माइनस 2 लगाओ एंड एफ ऑफ माइनस 2 तो माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 ऑफ माइनस 2 माइनस 8 तो माइनस 2 का स्क्वायर सॉरी माइनस 4 से 2 था तो नॉट माइनस 2 ओनली 2 2 टू जा 4 प्लस 2 टू जा 4 माइनस 8 तो ये भी 0 आ गया। तो यहां आपका क्या है एफ ऑफ माइनस 4 इक्वल टू एफ ऑफ 2। तो ये जो तीन कंडीशंस थी रोल्स थ्योरम की, तीन कंडीशन ध्यान रखना। पहली कंडीशन क्लोज इंटरवल पे कंटिन्यूअस हो जो दे रखा है, दूसरी कंडीशन डिफरेंशिएबल हो डिफरेंशिएट हो सके, और तीसरी कंडीशन जो एंड पॉइंट्स हैं उन पे उनकी वैल्यूज फंक्शन की वो सेम आए। तो हम लिख देंगे हेयर ऑल द थ्री कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम इज सेटिस्फाइड, देयरफॉर देयर मस्ट बी ए नंबर सी बिलोंग्स टू माइनस 4 टू 2 ओपन इंटरवल, इनके बीच में कोई सी जरूर ऐसा नंबर होगा सच दैट डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट सी इज 0। कहता अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो इस इंटरवल के बीच में एक ऐसा नंबर जरूर होगा जहां पे इसके डेरिवेटिव की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। डेरिवेटिव में उसे रख देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो कैसे निकालेंगे इस नंबर को, ये जो डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव क्या आ गया था आपका ऊपर एफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स 2x प्लस 2 तो 2x प्लस 2 इक्वल टू 0 लिख लो, 2x इक्वल टू माइनस 2 x इक्वल टू माइनस 2 अपॉन टू माइनस 1 आ गया।
तो वो जो सी है वो माइनस वन है आपका, सी क्या है माइनस वन। आप इसे शो कैसे करोगे, एफ डेरिवेटिव ऑफ सी, तो पहले फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल लो, सी पुट करके एक्स की जगह सी पुट करोगे तो 2c+2 आ जाएगा, और अब आप इसको जीरो रख दो तो आपके पास सी की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। और हमें पता है -1 तो -4 और 2 के बीच में ही आता है, आ गया ना। तो हैंस द रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड, हैंस द रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। क्लियर है? तो रोल्स थ्योरम क्या है कि अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो ये जो गिवन इंटरवल है इसके बीच में कोई ऐसी वैल्यू होगी जिसे डेरिवेटिव में पुट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। क्वेश्चन सेकंड, एग्जामाइन इफ रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल, रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल टू एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, कैन यू से समटाइम्स समथिंग अबाउट द कन्वर्स ऑफ रोल्स थ्योरम फ्रॉम दीज एग्जाम्पल्स, फ्रॉम दीज एग्जाम्पल्स। फर्स्ट आपका जो गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स फोर, एक्स बिलोंग्स टू 5 to 9। सेकेंड आपका गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स फोर, एक्स बिलोंग्स टू -2 to 2। और थर्ड आपका जो क्वेश्चन है वो है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1, फोर एक्स बिलोंग्स टू -1 1 2 2। आंसर, रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल टू फंक्शन एफ, कोई भी फंक्शन अगर है तो रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है कब, व्हेन आर इज द फॉलोइंग थ्री कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम। कब एप्लीकेबल है, आर द फॉलोइंग, लिख लो इन्हें, थ्री कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम इज सेटिस्फाइड। तीन कंडीशन क्या है देखना, जो अभी हमने ऊपर की थी, तीनों कंडीशन की लिस्ट लिखो। फंक्शन एफ इज कंटिन्यूअस इन, इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी। फिर सेकंड कंडीशन, फंक्शन एफ इज कंटिन्यूअस इन ओपन इंटरवल ए बी। देखो ये क्लोज होता है ये ब्रैकेट, और ये वाला ब्रैकेट ओपन की निशानी है, आपने लेंथ में अच्छी तरह किया इन्हें। और थर्ड हमारा था एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी। ये तीन कंडीशन है रोल्स थ्योरम के लिए। तो फर्स्ट पे हम ये लगा के देखते हैं,
फर्स्ट फर्स्ट क्या था एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स फोर एक्स बिलोंग्स टू 5 to 9। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f इज नाइदर कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल। अब देखो x की वैल्यू 5 रखे 9 रखे तो डिसकंटिन्यूअस है, तो ये ना तो इस पे ये इस इंटरवल पे ये कंटिन्यूअस है ना ही ये डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल पे, और ना ही f ऑफ x ये थर्ड वाला जिसकी जगह 5 रख दे और 9 रख दे तो वो इक्वल है, तो तीनों कंडीशंस में से कोई भी इस पे सेटिस्फाई नहीं करती है। तो इस पे तो आप तीनों कंडीशन लगा के देखोगे तो नो ही आ जाएगा। फिर सेकंड एफ ऑफ एक्स फोर एक्स बिलोंग्स टू माइनस टू टू टू, सेम इसमें ना तो ये फर्स्ट कंडीशन कंटिन्यूअस है ना ये डिफरेंशिएबल है इस इंटरवल में ओपन इंटरवल में, और ना ही दिस इज इक्वल टू दिस, तो सेकंड में भी आपकी कोई भी कंडीशन तीनों में से सेटिस्फाई नहीं होती, तो इसमें भी नॉट एप्लीकेबल आ जाएगा। रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल, इसमें भी एप्लीकेबल नहीं हुई। थर्ड आपका एफ एक्स की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वन फोर एक्स बिलोंग्स टू वन एंड टू, पॉलिनोमियल फंक्शन है तो कंटिन्यूअस है इसमें हमने पहले ही बताया था, तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल 1 to 2। एक मिनट देखना यहां पे ये लगा दिया यहां डिफरेंशिएबल आएगा थर्ड सेकंड में डिफरेंशिएबल इन ओपन, कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल, तो सेकंड देखना डिफरेंशिएबल करके देखते हैं f डेरिवेटिव ऑफ x क्या हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा। डिफरेंशिएबल तो आप इस ओपन इंटरवल में 1 और 2 में डिफरेंशिएबल हैं, यस आप x की जगह 1 2 कुछ भी लिख सकते हैं डिफरेंशिएबल रहेगा। थर्ड 1 पुट करो इसकी जगह, अगर 1 पुट करोगे तो 0 आएगा और 2 पुट करोगे तो 3 आएगा। f ऑफ 1 की वैल्यू 1 का स्क्वायर माइनस 1 यानी 0 और f ऑफ 2 की वैल्यू 2 का स्क्वायर माइनस 1 यानी 3, तो f ऑफ 1 नॉट इक्वल टू f ऑफ 2, थर्ड सेटिस्फाई नहीं हुई इसीलिए नॉट एप्लीकेबल, थर्ड पे भी रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगी। ठीक है, तो ये आपके दो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं यहां पे।